हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अंतरा बुक का नया चैप्टर नया चैप्टर लिखित है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये एक मेले दादरी मेले में दिया गया एक भाषण है जिसको निबंधात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये इन्होंने बताया इस पूरे पार्ट में कि हमारी दुर्दशा के लिए भाई अंग्रेज जिम्मेदार रहे ये हम सभी मानते हैं लेकिन उसके अलावा भी भारतीयों के अंदर बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो उस दुर्दशा को और ज्यादा ही बिगाड़ती चली जा रही हैं तो हमें भी सुधरना है भाई जो ब्रिटिशर्स करके गए वो तो गए सत्या लेकिन अब हमें सुधरना होगा तब कहीं जाके हम देश की उन्नति कर पाएंगे तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पाठ का परिचय देखते हैं क्या है पाठ में में दिया गया आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु ने ददरी के मेले अवसर पर बलिया में एक उत्साहवर्धक भाषण व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया था मतलब ये एक आलोचनात्मक है यानी यहां आलोचना की जा रही किसी की खामियां निकाली जा रही हैं, बुराइयां बताई जा रही हैं, इसलिए इसे आलोचनात्मक जो है निबंध कहा गया है और यह एक भाषण था तो उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इस निबंध में साहित्यकार ने भारतीय दुर्दशा के लिए अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जिम्मेदार माना है अब औपनिवेशिक साम्राज्य क्या होता है जब कोई एक राष्ट्र कहीं बाहर का आके किसी दूसरे राष्ट्र पे आके अपना कब्जा जमा लेता है अपना साम्राज्य जमा लेता है अपना उपनिवेश बना लेता है तो वो वहां पर औपनिवेशवाद की स्थापना कर देता है तो दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों में विद्यमान आलस्य अशिक्षा अकर्मठता एवं दिशाहीनता को भी जिम्मेदार माना है इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों में भारतीय अस्मिता को स्थापित करने के लिए ललकारा है तो ये जो निबंध है इसमें भारतेंदु जी ने भारतीयों के को ललकारा है किस चीज में उनको मतलब आप क्या बोलेंगे कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको उग्र करने के लिए भाषण दिया है कि उठिए अपनी ये सारी बुराइयों को छोड़िए और भारत की दशा को सुधारने में अपना काम शुरू करिए तो ये कहां से शुरू हो रहा है भारतेंदु ने भारतीय भारतवासियों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहा है कई दर्शकों की गुलामी ने हमारी नेतृत्व क्षमता को हतोत्साहित किया है इसलिए हम अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए हैं भारत को सांस्कृतिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम अपना नेतृत्व स्वयं करना सीख लें इस रचनात्मक विचारधारा का सकारात्मक परिणाम हमें गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू पटेल और अंबेडकर आदि के लोकतांत्रिक नेतृत्व में दृष्टिगोचर होता है तो अब इन्होंने बताया कि हम बहुत दिन तक किसी के अंदर में रहे अब कोई भी सपोज कोई भी चीज देखिए हम किसी के अंडर में रहते हैं तो क्या होता है हम अपने फैसले खुद नहीं कर पाते खुद चीजें नहीं कर पाते किसी चीज को लीड नहीं कर जब हम अपने ही फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को लीड करने की बात तो हम बहुत ही दूर की सोच लें तो वही चीज उन्होंने बोली है कि हम बहुत दिन तक अंग्रेजों के अधीन रहे हमने अपने फैसले खुद नहीं लिए हम पे फैसले थोपे गए सरकार ने जो फैसले किए हमने उनको माना अब क्या हमारी आई कि अब अंग्रेज यहां से चले गए हैं अब हमारे सामने हमारा राष्ट्र आ गया है अब हमारे अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है क्योंकि 200 साल से तो हम परतंत्र रहे अब हमारी वो जो क्षमता थी वो तो कहीं गायब हो गई इसलिए उन्होंने बोला कि ये सारी क्षमताएं हमें कुछ लोगों में दिखती हैं जिसमें गांधी जवाहरलाल अंबेडकर पटेल बहुत से सरदार पटेल वगैरह सबको को शामिल किया जिनके अंदर इनको ये नेतृत्व करने की भावना दिख रही है जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। भारतेंदु जी अंग्रेजों अंग्रेजों के विरोधी तो थे लेकिन पाश्चात्य आधुनिकतावाद संस्कृति के नहीं तो उन्होंने कहा वो अंग्रेजों के विरोधी थे वो अत्याचार करते थे हमारे देश में अपने तरह से शासन कर रहे थे हर तरह के टैक्स हर तरह की चीजें लोगों को बहुत परेशान करते लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां का पहनावा बोलचाल रहन सहन ढंग तौर तरीके इन सब के वो विरोधी नहीं थे वो वहां की नीति के विरोधी थे उन्होंने बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब की खुलकर प्रशंसा करी तो वहां बलिया के जो कलेक्टर थे रॉबर्ट उनकी कुल की प्रशंसा करते हुए क्या बोले साहित्यकार ने अकबर बीरबल टोडरमल की धार्मिक सहिष्णुता तीक्ष्ण नेतृत्व क्षमता और भूराजस्व नीति के कारण उनकी सहारना की कहने का क्या मतलब है इन्होंने ये सिमिलैरिटी बताने के लिए बताया कि जैसे बीरबल अकबर टोडरमल ये सभी क्या थे ये ये इन सभी ये सभी अकबर के अंडर के अपना नाम कमा रहे थे चीजें कर रहे थे तो उन्होंने वही बताया कि रॉबर्ट जी ने के शासन में भारतीय भारतीय संस्कृति पे पाश्चात्य संस्कृति आई है लेकिन उन्होंने हम पे थोपी नहीं है इसकी उन्होंने प्रशंसा करी भारतेंदु ने भारतवासियों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बे से की है अब देखिए यहां पर उन्होंने एक तुलना हमारे सामने प्रस्तुत करी किससे रेलगाड़ी से, रेल से करिए भारतीयों की तुलना इसका तात्पर्य यह है कि हम भारतवासी बिना नेतृत्व के चल ही नहीं सकते वे धार्मिक पौराणिक उदाहरणों द्वारा सिद्ध करते हैं कि अगर भारतीयों को कोई बल एवं पराक्रम याद दिला दे तो सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं तो कहने का मतलब उनका क्या था कि जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा बगैर इंजन के नहीं चल सकता वैसे भारतीय बगैर नेतृत्व के नहीं चल सकते खाली उनके अंदर वो फीलिंग फूकनी है चाहे वो धार्मिक हो चाहे पौराणिक हो राजनैतिक हो सांप्रदायिक हो सामाजिक हो धार्मिक हो किसी भी तरीके से आप उनके अंदर बस उस नव चेतना को फूक दीजिए और उस फूकने वाला व्यक्ति वो नेतृत्व तो कर रहा होगा तो वो लोग कोई भी क्षेत्र में हो वो आगे बढ़ ही सकते हैं भारतेंदु इतिहास के मर्मज्ञ चित्रक है इन्हें इतिहास की गतिशील नब्ज को पहचान थी पहचान थी भारत गुलाम क्यों हुआ भारत के विभाजित होने के कारण क्षेत्रवाद अकर्मठता धर्म भीरुता एवं आलस्य आदि प्रवृत्तियों के कारण ही भारतीय अस्मिता खतरे में पड़ी अब क्या था देखिए इसने यहां तो दिया है सबसे पहली वाला लाइन हम समझते भारतीय हिंदू इतिहास के मर्मज्ञ चित्रक थे मतलब उन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा और उसको पूरी फीलिंग के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया उनके जितने भी लेख पढ़ेंगे कुछ भी पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है भारत के बारे में क्यों क्योंकि उन्होंने उसको पूरी फीलिंग्स के साथ समझाया फिर दूसरी लाइन है इन्हें इतिहास की गतिशील नब्ज की पहचान थी यानी कि इतिहास को जब जब उन्होंने इतिहास की अच्छी ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाई करी तो इतिहास कैसे कैसे गति पकड़ता है कैसे कैसे कौन सी क्रांति हुई युद्ध हुए तो उन्होंने वो सभी नब्स को देखा हुआ है तो अब उन सभी चीजों को वो प्रेजेंट यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से उस समय में वो उस चीज को फॉलो कराना चाहते हैं क्या हुआ अब अंग्रेजों से आजाद होने के बाद हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं थी साथ ही हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी थी तो उन्होंने उन्हीं सब चीजों के ऊपर क्या बोला कि अगर हमने ये बुराइयां नहीं हटाई तो जो हमको देश मिला है उसकी अस्मिता यानी कि उसकी इज्जत पे फिर से खतरा बनेगा अर्थात फिर कोई राष्ट्र दूसरा देश आकर हम पे कब्जा कर लेगा तो हमें इन बुराइयों से छुटकारा पाना होगा इसके अतिरिक्त जमींदारी तथा जमींदारी प्रथा एवं सामंतवाद जैसी भयावह कुतियों ने भी भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का चकना किया अब देखिए क्या है बाहर के दो लोग तो आए मतलब ब्रिटिशर्स आए लेकिन उन्होंने यहाँ के कुछ कमजोर लोगों को भी अपना मोहरा बनाया वो कमजोर लोग थे जमींदार और सामंत जो लोगों पर अपना काम कराते थे उनके पास जमीनें होती थी ताकत होती थी तो इस प्रथा को उन्होंने बहुत ज्यादा हवा दी ब्रिटिशर्स ने और ये भी एक क्रूर प्रथा के रूप में उभर के आई और इसने भी भारत को बहुत हद तक पीछे कुचला तो जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ इन सभी चीजें जमींदारी सामंतवादी इन सभी जो जितने भी पद थे इन सभी को समाप्त कर गया क्यों क्योंकि इनके पास हद से ज्यादा शक्ति और पैसा था जो वो सामान्य लोगों पर इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से उनका शोषण कर रहे थे इसलिए आजाद होते हुए सबसे पहले देश में जमींदारी और सामंतवाद को खत्म कर दिया गया इससे क्या हुआ देश में धीरे धीरे प्रगति आई क्यों क्योंकि भारतीय मानते हैं कि ये भारतीय यही वो भारतीय हैं जो भारतीयों पर ही अत्याचार कर रहे थे अंग्रेजी तो कर ही रहे थे लेकिन ये अंग्रेजों की शय पाके जमींदार और सामंत भारतीयों पर जो है अत्याचार करते थे भारतीय पुनरुत्थानवादी साहित्यकार है पुनरुत्थानवादी मतलब फिर से बना के अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट करना किसी भी कोई भी चीज गिर गई मान लीजिए कोई एक मकान है कुछ भी है वो गिर गया तो पुनरुत्थान करना यानी कि उसको फिर से बनाना हमने बनाया लेकिन साथ में उसकी प्रगति करना मान लीजिए कोई एक पुराना मकान जर्जर था हमने उसको फिर से बना दिया अब उसके अंदर क्या किया हमने आधुनिक चीजें लगाई फैन लगाया एसी लगाया फ्रिज लगाया टीवी लगाया तो वो पहले जैसे था वैसा तो हमने उसको बनाया लेकिन उसके अंदर और ज्यादा फैसिलिटीज डाल के उसको बहुत अच्छा बना दिया तो वो उन्होंने क्या दिया है उन्होंने साहित्य को जब हमारे साहित्य रचा भारत को लेकर जब चीजें लिख रहे थे वो तो वो जर्जर भारत की तो कल्पना हमको बता ही रहे थे जर्जर भारत कैसा है लेकिन साथ में हमें वो क्या बता रहे थे कि ये किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर जा सकता है कैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है ये सब चीजें भी उन्होंने अपने साहित्य में हमारे सामने प्रस्तुत करी है इसीलिए उनको पुनरुत्थानवादी साहित्यकार कहा गया है इनके विचारों में आधुनिकतावाद के साथ ही भारतेंदु की पुनरुत्थानवादी समाज सुधारक साहित्यकार भी समाज को सुधारने की भी उन्होंने बात करी हुई है उनके इस समय में आम जनता अपने देश भारत के अतीत का गौरव भूल सी गई थी अब जब भारतेंदु जिस समय के थे उस समय के लोग अपने भारत के अतीत के गौरव को भूल गए थे अर्थात अंग्रेजों से आने से पहले भारत क्या था उस चीजों की समझ लोगों के अंदर से पूरी तरह मिट चुकी थी उससे पहले हमारा देश बहुत ज्यादा संपन्न था तभी तो उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी लालच में ब्रिटिशर्स यहां आए थे कितनी लूटपाट करके वहां से यहां से सब कुछ लेकर गए तो वो सारा गौरव वो भारतीय भूल चुके थे ये सब जानबूझकर नहीं हुआ था बल्कि अंग्रेजी शासन का भय आतंक दमनकारी रवैया और भारतीयों का शिक्षित होना इसके लिए जिम्मेदार था अब ये जो सब चीजें भूले क्यों भूले क्योंकि उनपे इतना अत्याचार हो रहा था इतना ज्यादा उनको कष्ट दिया जा रहा था सब कुछ थे वो अशिक्षित थे तो कैसे सारी चीजें याद रख पाएंगे या जो उन चीजें जो चीजें पहले थी वो कैसे जान पाएंगे अतः भारतेंदु जी के सामने सबसे मुख्य प्रश्न था क्या भारतेंदु जी के सामने जो मुख्य प्रश्न प्रस्तुत किया है समस्या यही थी कि भारतीयों का पुनर्जागरण किया जाए भारत के लोगों का लोगों का गौरव महान गौरव भारत का महान इतिहास भूल गए तो यहाँ का क्या था लोगों को फिर से जागृत करिए भारत का जो इतिहास था बहुत अच्छा था लोगों को उस बारे में बताइए उनके अंदर गौरव पैदा करिए तब इस समय जो भारत है उसके गौरव को वो दोबारा डेवलप कर पाएंगे उन्हें नाटकों रंगमंचनीय कला के माध्यम से बताया जाए तो ये चीज उन्होंने बताया कि नाटक और रंगमंच के तरीके से हम लोगों को ये सारी चीजें बता सकते हैं अतः अपने नाटकों का कथन चयन भी इसी प्रकार रखते थे तो उनके नाटकों का चयन भी इसीलिए होता था बहुत ही सोच समझ कर थे कि लोगों को किस तरीके से उन नाटकों के जरिए जागृत किया जा सके तभी इनके विचारों में आधुनिकतावाद के साथ अतीतोन्मुखी परंपरा का बोध मिलेगा यानी कि यहाँ पे क्या है तभी वो जानेंगे कि आधुनिक चीजें क्या हैं भाई पहले तो धर्रे से चलिए है हमें तो अंग्रेजों ने इतनी आधुनिकता दी नहीं हम जान पाए लेकिन दबी कुचली अब आधुनिक भारत क्या है अंग्रेज ब्रिटिश के अलावा भी और भी देशों में क्या चीजें हैं हम उन सब चीजों के बारे में जान पाएंगे दूसरा क्या यहां पर दिया अतीतितोन्मुखी परंपरा यानी कि बहुत ही डेवलप परंपराओं के बारे में हम समझ पाएंगे वे भारतीयों को विश्व विश्व स्तर पर उनका योगदान याद दिलाते हैं वे बताते हैं कि भारतीयों ने खगोल शास्त्र गणितीय प्रणाली चिकित्सा शास्त्र रसायन शास्त्र दर्शन आध्यात्मवाद संस्कृति आदि क्षेत्र में विश्व स्तर पर योगदान दिया साथ ही वो बताते हैं कि भारतीयों ने कितना योगदान दिया है हर एक चीज की खोजने को लेकर चाहे वो गणित से संबंध हो चिकित्सा से संबंध हो और आपका अध्यान अध्यात्म से संबंध हो रसायन शास्त्र से संबंध हो ये सभी भारत ने विश्व को दिया है इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ये सब कुछ उसने विश्व को दिया और यहां पर सब कुछ संपन्न था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे अतः आज हमें फिर से अपने योगदान अपने ज्ञान ताकत को याद करने की जरूरी है यानी कि हमें फिर से अपने अंदर वो सभी ताकत सब कुछ पैदा करनी है और उस योगदान को याद करते हुए गौरव अनुभव करना है और अपने भारत को और आगे लेके जाना है वे आगे यह बताते हैं कि भारत विश्व विकास की दौड़ में इसी अज्ञानता की वजह से पिछड़ रहा है और हम अपनी पुरातन रीढ़ियों की वजह से विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि भारत किस वजहों से इसी वजहों से पिछड़ रहा है पिछड़ता चला जा रहा है और दूसरी हमारी रूढ़ियां जो चली आ रही हम आधुनिकता को नहीं अपना रहे और उन रूढ़ियों को हम फॉलो करते हुए चीजों को हम आगे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं भारतेंदु के अनुसार मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं अति महत्वपूर्ण है मनुष्य को कायरों की भांति जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए बल्कि उसको समग्र सम विषयक अवसरों का लाभ उठाना चाहिए तो क्या दिया है बहुत ही दुर्लभ है क्यों क्योंकि मनुष्य का जीवन कहते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मिलता है तो भाई आप उसका इस्तेमाल करिए ना कि खाए पिए सोए और काम किए चल दिए कम से कम ऐसा कुछ करिए कि आपको हमेशा कोई याद रखे तो मनुष्य को कायरों की भांति नहीं जीना चाहिए अर्थात उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे कार्य में अपने आप को लिप्त रखना चाहिए और अपने समक्ष आए कोई भी कोई भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए समग्र सम विषय मतलब सामने आए किसी भी विषय को लेकर अगर कोई अवसर है तो उसे मत छोड़िए इस विचारधारा का तात्पर्य है कि संपूर्ण भारतवासियों को भारतवर्ष के समग्र विकास एवं उन्नति हेतु प्रयत्नशील रहना होगा भारतेंद्र जी ने राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित को महत्व दिया है यह साहित्यकार का प्रगतिशील दृष्टिकोण है तो उन्होंने ये चीज बताया है कि अगर हमारे समक्ष आए अवसरों को हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम विश्व में भारत की एक बहुत ही अच्छी छवि सामने लेकर आएंगे तो ये भारतेंदु जी का दृष्टिकोण दिखा रहा है कि वो कितने ज्यादा विचारशील है कितने आधुनिकतावादी व्यक्ति हैं कि उनकी विचारों में इतना सब हमें देखने को मिल रहा है भारतेंदु जी ने भारतीय संस्कृति की अस्मिता के उद्धार हेतु निवृत्त मूलक एवं पलायनवादी विचारों के स्थान पर प्रवृत्ति मूलक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर दिल दिया है तो क्या है ये निवृत्ति मूलक मतलब किसी चीज से पीछा छुटाने वाला काम होता है ना जो एक प्रवृत्ति होती है कि नहीं हम नहीं करेंगे ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है हम नहीं करेंगे तो वो चीज उन्होंने बताया निवृत्त मूलक और पलायनवादी विचार यानी कि किसी एक चीज पे हमारे विचार टिकते नहीं है कोई चीज चीज़, तुरंत दूसरी चीज पे आ गया तुरंत तीसरी चीज पे आ गया तो वो क्या चीजें हमारे विचार एक जगह टिक नहीं रहे और दूसरा अपना पल्ला छुड़ाने वाली जो नीति होती है उस चीजों की प्रवृत्ति के स्थान पर हमें प्रवृत्ति मूलक यानी कि अवसरों का इस्तेमाल करना और उनका सही ढंग से उपयोग करना और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है यानी कि विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है उस दृष्टिकोण को अपनाइए तभी हम क्या कर पाएंगे अपने भारत की उन्नति उनके अनुसार भारत में जितना कोई निकम्मा होता है उसे उतना बड़ा अमीर समझा जाता है हालांकि इस ने आज भी भारत को तोड़ने का प्रयास किया है हमारे यहाँ मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक श्रम को कम महत्व दिया जाता है तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि ये एक कुप्रवृत्ति है बुरी प्रवृत्ति बुरी सोच कि जो जितना अमीर है वो उतना बड़ा निकम्मा है कहने का मतलब है आप दिमाग जितना लगाओगे वहां पे मानसिक श्रम करने वाले दिमाग लगाने वाले लोगों को ज्यादा अच्छा समझा जाता है ना कि शारीरिक श्रम करने वालों को लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम को समान महत्व देकर श्रम जीवी संस्कृति का, का मतलब क्या है महात्मा गांधी ने शारीरिक और मानसिक दोनों ही श्रमों को आपस में मिलाया और उनका सही उपयोग करके एकदम सही प्लेटफॉर्म भारतीयों के सामने रखा कि आप अपने मतलब दिमाग की ताकत और शरीर की ताकत को मिलाकर दोनों ही तरीके से भारत को आगे बढ़ा सकते हैं भारतेंदु जी भारतवासियों को समय के साथ चलने के लिए कहते हैं वे चाहते हैं कि भारतवासी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरी ताकतों का मोहताज ना रहें तो उन्होंने क्या बोला समय जिस हिसाब से आप उस हिसाब से चलिए समय की मांग है कि आप आधुनिकता को अपनाइए तो उसको अपनाइए और उसको और अच्छा बनाकर विश्व के सामने प्रस्तुत करिए तो ये हमारी प्रगति नहीं करेगी हमारी ख्याति भी बढ़ाएगी भारती जी ने भारतवासियों में उत्साह का संचार करने के लिए ऐतिहासिक धार्मिक एवं पौराणिक शास्त्रों को प्रस्तुत किया है तो भारतीयों में ये उत्साह बना रहे तो उन्होंने बहुत से पुराने साक्ष्यों घटनाओं को भी इन लोगों के सामने भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया है भारतेंद्र जी इतिहास की गंभीर अवधारणा की जानकारी रखते थे वो इतिहास के बहुत अच्छे वेत्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी इतिहास को लेकर और बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे उपयुक्त कथना तथा कथित संदर्भों का प्रयोग भारतेंदु जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना को सामूहिक रूप से किया तो इन्होंने क्या किया भारत इतिहास में घटित हो रही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जगह जगह पे इस्तेमाल करके लोगों के अंदर जो है वो गौरव भरने का बहुत ही सही अवसर भी ढूंढा और तरीके भी निकाले भारतीयंतु जी भारत के कण-कण में उन्नति एवं अभ्युत्थान देखना चाहते थे वे चाहते थे कि भारत का सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक दार्शनिक मानवीय धार्मिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण निशान संपन्न हो तो वो विकास चाहते थे और सभी क्षेत्रों में चाहते थे भारतीयंतु जी ने भारतीय समस्याओं का बहुत सूक्ष्म विचार विश्लेषण किया मतलब भारतों में भारतीयों में क्या-क्या समस्याएं हैं उसको बहुत ही बारीकी तरीके से निकाला जो समस्या, हम समस्याओं का निवारण कर दें तो क्या होगा आदमी ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा वे समस्या मुक्त भारतीयता की हिमायती थे यानी कि जो भारतीय हैं, उन सभी की समस्याओं को अगर हम दूर कर दें तो ऐसा ही समाज वो चाहते थे वे धर्म नीति के समर्थक आ, समर्थ हिमायती थे धर्मों को भी इसके साथ मिलाते थे कि धर्म की जो नीतियां हैं वो भी भारतीय अपनाएं तो बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे लेकिन वे सांप्रदायिकता क्षेत्रवाद आदि दोषों से मुक्त होने की तरफ इशारा करते हैं वो धार्मिक नीति अपनाना चाहते हैं मगर धर्म में अंधा होने के लिए मना करते हैं कि आप धर्म के प्रति अंधे हो जाइए कि कुछ सोचिए नहीं समझिए नहीं और उसको फॉलो करते जाइए वो उन्होंने नहीं बोला है करने के लिए वो सांप्रदायिकता नहीं मानते संप्रदाय अलग अलग नहीं होने चाहिए जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ये सब जो उस समय के दोषों थे दोष थे उन सभी को वो नकारते हैं कि आपको ये सब चीजें नहीं अपनानी चाहिए भारतेंदु के विचारों में देशभक्ति के साथ ही साथ राज्य शक्ति की प्रार्थना अखिल भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए खटकती है तो अखिल भारतीय जो राष्ट्रवादी मतलब बड़े बड़े नेता सब उन लोगों को भारतीयों की भारतेंदु जी की विचारधारा बहुत ज्यादा खटकती है तीज त्योहारों की नैतिक मानवीय एवं वैज्ञानिक व्याख्या के भी हिमाती थी तो तीज त्योहार क्यों मनाए जाते हैं किस लिए मनाए जाते हैं तो भाई ये तो धार्मिक नहीं इसमें उनका वो वैज्ञानिक विश्लेषण भी करते थे भारतेंदु जी कि विज्ञान के आधार पर ये त्योहार क्यों मनाया जा रहा है ये भी बताया जाता था वे नारी शोषण दलित शोषण किसी भी कुप्रवृत्ति के खिलाफ थे तो शोषण किसी भी तरह बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं था भारतेंदु सौहार्द सांप्रदायिकता के कारण ही मुसलमानी संस्कृति की पूर्ण तार्किकता और आधुनिकता को जोड़ना चाहते हैं तो अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है सौहार्द सांप्रदायिकता के कारण मतलब अच्छी सांप्रदायिकता जो आपस में मित्रता बनाए रखे तो इसके लिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर बहुत ज्यादा बल दिया है और तर्क के साथ दिया है और साथ ही आधुनिकता अपनाते हुए तर्क दिए हैं वे भारतीय जनता को किसी भी प्रकार के कृपा पात्र के मोहताज नहीं रखना चाहते वो चाहते हैं कि भारतीय जो जनता है वो स्वावलंबी बने वो किसी दूसरे देश या किसी दूसरे व्यक्ति की दया का पात्र ना बने रहे किसी तरह की मोहताज का कारण ना बनी रहे तो भारतेंदु जी ने जो ये भाषण ददरी के मेले में दिया था बलिया में वो हमारे सामने इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया ये बताया कि भारत भारत क्यों पिछड़ा रहा और भारत आगे प्रगति कैसे कर सकता है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपने अपनी जो बुरी चीजें हमें हटा देनी चाहिए और आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी धार्मिकता को बनाए रखते हुए भारत का सर्वांगीण विकास करना चाहिए तो ये हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा भारती के विचार बहुत ही उच्च हैं अगर उन्हें आज भी फॉलो किया जाए तो हमारा देश बहुत ही तेजी से उन्नति करेगा तो ये पाठ यही खत्म करते हैं थैंक यू बाय।